हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ बताने जा रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, जिन्होंने 12th की हुई है, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना नहीं चाहिए, उसके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस समय एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं मेरी क्वालिफिकेशन मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है और भी पढ़ाई की हुई है उसके साथ। तो आपके लिए क्या कर नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने से भी आपके लिए पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए 12th के बाद कोई ज़्यादा लंबी कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बीटेक कर लो, चाहे आप डिप्लोमा कर लो, कुछ भी कर लो, कंपनी में एक स्किल बंदे की ज़रूरत होती है। और आपके अंदर स्किल है, स्किल तो आप 12th करने के बाद भी कुछ काम कोई कुछ सीख सकते हैं। तो आप वो काम सीखिए, और ज़्यादा वो करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज का जो समय चल रहा है उसे उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आप कुछ भी करके जाएंगे, फिर वहाँ भी काम पे आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे फिर भी काम, वहाँ का जो आपने पढ़ा जो भी है, वो ज़्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है। मैंने देखा है कंपनियों में 12th बंदे भी इतने टैलेंटेड होते हैं वहाँ पे, कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों को भी पीछे कर देते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा पैसा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है माँ बाप का। तो आप कोई स्किल सीखें, कोई काम जो कंपनी में जो है इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, या फिर आप नॉन टेक्निकल पढ़ाई करें, जैसे BA कर लें अच्छी किसी कोई अच्छे सब्जेक्ट से, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, IAS की या फिर और कोई, जिससे वहाँ जॉब लगने के अच्छे चांस हैं। गवर्नमेंट टेक्निकल से गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट बनना बहुत ही मुश्किल होता है। प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी नॉलेज, अच्छा स्किल होना चाहिए। फ्रेशर बनने तो तब भी आपको वहाँ सीखना ही पड़ेगा। तो आप मेरी तेज़ सलाह है, आप पहले से वो स्किल अच्छा सा सीख लें। यही जानकारी मैं देने वाला था। धन्यवाद।